माता रानी की जय। खुश रहो, आशीर्वाद। और ऐसे ही सारी प्यारी प्यारी माता रानी हमारे घर आती रहो। पीयू ने सारी कन्याएं करवा दी। बाय बाय बेटू। एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम आ चुके हैं अपने नए ब्लॉग के साथ जो कि शुरू हो रहा है अभी हमारी किचन से, जहाँ पर कि हम माता रानी के भोग का प्रसाद बना रहे हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है आज है नवरात्रा का अंतिम दिन, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा खाना बनाने के बाद, पूजा करने से पहले रेडी होंगे, फिर आपको मिलते हैं हम अपने आगे ब्लॉग में। और देखिए हमारे साथ हमने माता रानी के भोग के लिए क्या क्या बनाया है, सो बने रहिए ब्लॉग में। बेटा क्या क्या बन गया आपका? मम्मी जी बस पूड़ियाँ तल रही हूँ, बाकी ये सब सामान आप देखिए क्या क्या बन चुका है। बताइए लोगों को क्या क्या बन गया हमारे घर अभी। हलवा, पूड़ी, चने, खीर, बस अभी सब्जी को थोड़ा पीसेस में काटना बचा है, बाकी और वो तैयार है। अब खीर हमारी बन रही है, जब तक हम रेडी होंगे पूजा का काम शुरू करेंगे, उसके बाद बन जाएगी। पूड़ियाँ दिखाई है हमारी, ये तली जा रही है हमारी पूड़ियाँ, सो बने रही है हमारे साथ आगे ब्लॉग में। सो अभी हम हो चुके हैं रेडी, जैसा आप देख रहे होंगे हमारा ड्रेस चेंज हो चुका है और ये है माता रानी, जो हमारी माता रानी भी रेडी हो चुकी हैं। सो आपको जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, ये हम कर रहे हैं माता रानी का हवन, बोले हैं तो अग्यारी, जो कि हमारे घर पूरे 9 डेज़ के लिए होती है, लेकिन 9 डेज़ हमेशा नहीं, 8 डेज़ हमेशा एक होती है, लेकिन आज लास्ट डे है तो हमारे घर पे 2 अग्यारी होती हैं, जिसमें एक होती है माता रानी की और एक होती है लांगुर की। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी 2 अग्यारी होती हैं, और लास्ट डे पे जैसा कि सारे भोग प्रसाद जो भी कुछ हम बनाते हैं उसमें पूड़ी है, हलवा है, चना है और बताशे, खीर जो भी आपके घर बनता है उसके साथ भी हम भोग लगाते हैं। और ये हमने लास्ट में माता रानी को जल अर्पण किया और माता रानी को किया हमने प्रणाम। और इसके बाद मैंने पापा जी से मंगवाया लड्डू को, क्योंकि लड्डू बाहर अपने दादू के साथ खेल रहा था और हम अपने पूजा पाठ इजीली, बहुत इजीली कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे के साथ इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। बट पापा जी बहुत अच्छे संभालते हैं उसको, तो इसको यहाँ पर आपने देखा मैंने थोड़ी धूप दी 11 की, और इसके बाद फिर हम सब ने भी धूप ली क्योंकि ये बड़ा शुभ होता है इसकी धूप लेना। और इसके बाद मैंने दीपक जलाया और उसके बाद हमने करी आरती, और आरती जो कि आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी, और मिलते हैं। ये दिख रहा है? अरे वाह, आप भी जानते हो गोल्डन भी होता है। अरे वाह, आप सब लोग जानते हो हैं? थोड़ा 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 तो झूठा कर लेना, ज्यादा नहीं, अगर मन हो खाने का थोड़ा थोड़ा बस प्रसाद के हिसाब से झूठा कर लेना। सब्जी किसी को चाहिए तो बता देना, ओके? थोड़ी थोड़ी खीर उठा, थोड़ी नहीं, एक एक दाना उठा के। इनके पेटू पोल हैं सबके। सब लोग पहले बहुत जगह, जैसे हमारे लड्डू का फूल हो जाता है ना थोड़े से, ऐसे इनके फूल हो चुके हैं अब। हाँ तो जल्दी क्या आ रही है आपको मानना? देखो ये है, हाथ से खोल के ओनली, हाथ में सुंदर लग रही थी। मेरे को खुद क्या हो रहा था? मुझे खुद खुद ही वजह आते और मुझे को काट जाने चल दी। अच्छा देखो हाथ में कितनी प्यारी लग रही है सबके, सब दिखाओ अपनी अपनी चुन्नी दिखाओ भाई हाथ में। मैं दे रही हूं, तुम दे रही हो? हां हां, यू दे देना। अब बाल अच्छा
आज तो माता रानियों की पूजा हो रही है। प्यारा प्यारा सा आशीर्वाद दो सब, मुझको भी देना, ठीक है मुझको भी देना। खुश रहो, खुश रहो। अरे थैंक यू थैंक यू। खुश रहो, ऐसे ही सारी प्यारी प्यारी माता बनी हमारे घर आती रहो, घूम कर जाती रहा करो। ये तो अच्छा सीरियल बनेगा, खुश रहो माता रानी आती रहो। हाँ माता रानी आती रहो। अब माता रानी का जयकारा बोल दो एक बार जोर से, बोलो माता रानी की जय। लड्डू कह रहा भाई आज कौन आया हमारे घर में। हेलो, अब माता रानी की जय। आपका बॉक्स रह गया बेटा, वो बॉक्स किसका है? बाय बाय बाय। पीयू ने सारी कन्याएं करवा दी। बाय बाय बेटू, बाय।